तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो जो कि हर एक बच्चे ने देखा ही होगा और यहाँ तक कि आज के टाइम पे भी लोग खाना खाते समय इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एक ऐसा शो जिसने 3600 से भी ज्यादा एपिसोड बना के करोड़ों दिल पे राज तो किया ही है, साथ ही साथ 28 जुलाई 2023 के अंदर ये अपने 15 साल इस मार्केट में कम्प्लीट कर देगा। पर ये शो स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं है जैसा आज के टाइम पे दिखता है। शुरुआत में काफी ज्यादा कॉमेडी हुआ करती थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, इस उम्र में मुझे छोड़कर आप कहाँ जाएंगे। सब लोग आपस में काफी लड़के रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे प्यार काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जमाने का असर तो पड़ना ही था। जैसे जेठालाल फ्रेंड जोन हो चुका है बबीता जी से, तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ 10 ऐसे फैक्ट जो कि शायद ही आप लोग जानते होंगे तारक मेहता के उल्टे चश्मा के बारे में। जैसे काफी चीज आपको पता नहीं होगी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी सीरियल नहीं है। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 में आया था, जबकि CID लगभग 1998 से चालू है और उसने इंडिया के अंदर लगभग 21 साल गुजार दिए, पर कॉमेडी और प्यार के मामले में एक नंबर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस कैरेक्टर का नाम बता सकते हो जिसने जेठालाल की सबसे ज्यादा मिस्ट्री सॉल्व की है, लेकिन वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है? ऑब्वियसली चीफ दया बहन। अब तो वैसे भी दया नहीं है तो उनका तो जिक्र ही नहीं हो रहा। क्या बोलूं, एक हाथी चींटी के बारे में क्या बोल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि सोड़ी टप्पू की कंप्लेन करता है और कहता है कि ये बार बार आके हमारा कांच तोड़ देता है, खिड़की के सारे शीशे भी तोड़ता रहता है। पर मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जितने एपिसोड देखे उसमें सबसे ज्यादा बार कांच तो भिड़े का टूटा है। बल भिड़े से याद आया कि भिड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है बच्चों को, लेकिन एक्चुअली में स्टार्टिंग में वो केवल मैथ्स का टीचर था। मैं गणित का शिक्षक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे कुकर की सीटियां भी गिनूं। और जब प्रोफेशन की बात आई गई है तो डॉक्टर हाथी का जिक्र क्यों ना हो। लेकिन एज अ डॉक्टर हाथी हम लोग केवल ये इमेज याद रखते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो पहले डॉक्टर हाथी थे वो ये थे। और आप लोगों को मालूम ही होगा कि कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा सफल डॉक्टर बन चुके थे, लेकिन एक्चुअली में अगर हम रिवाइंड करें तो स्टार्टिंग में ये एक ऐसे डॉक्टर थे जिनकी गोली की वजह से इनके कस्टमर बीमार पड़ जाते थे। जानते ही हैं, मेरी दवाई के इफेक्ट कम और साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, यानी पेशेंट के लिए ये यमराज थे। वैसे लगे हाथों एक और फैक्ट सुन लो कि टप्पू की एज पहले एपिसोड में 10 साल की थी और भाई 10 साल का बच्चा चोरों को मार रहा था उस समय और हम इस पे विश्वास कर रहे थे। अरे क्या क्या हुआ, 10 साल पहले हम दोनों को टप्पू हुआ था। वेल दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि दुकान जाने के लिए जेठालाल रिक्शा का यूज करता है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग वाले एपिसोड पे नजर डाले तो जेठालाल के पास एक गाड़ी हुआ करती थी जिसके बेचने का कभी जिक्र ही नहीं है। अरे क्या, चलो गाड़ी की चाबी ली। हाँ भाई ले चल ना। well, जेठालाल का जिक्र आ गया है तो बबीता जी का क्यों नहीं। वैसे आज के टाइम पे हम बबीता जी के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं, जैसे कि वो मार्शल आर्ट करती थी, ब्लैक बेल्ट थी, साथ ही साथ स्टेट लेवल फुटबॉल प्लेयर थी और सबसे इम्पोर्टेंट वो हाउसवाइफ थी। लेकिन पहले एपिसोड के अंदर पता लगता है कि वो एक बॉलीवुड डांसर थी। बबीता जी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर डांसर थी। बदल गई जिंदगी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है पोपटलाल का नाम और उसकी एज। पोपटलाल का पूरा नाम है पोपटलाल पांडे और इनकी डीओ भी रिवील हुई थी एक एपिसोड में, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वेल ऐसे तो काफी सारी और इंटरेस्टिंग न्यूज भी है मेरे पास केवल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में, तो अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो ज्यादा नहीं 100 लाइक्स, और अगर 100 लाइक हो चुके हैं तो जाइए चैनल पे आ चुके हैं वीडियो। वेल मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आपके लिए और मेक श्योर टू सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे आप लोगों को फैक्ट और क्या ये आप लोगों को मालूम थे।